हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपना डॉग चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चले आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में हम लोग क्लास 10 का मॉडल टेस्ट पेपर 2021 जैक बोर्ड का सेट थर्ड का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्या बोल रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को क्या कर लेना है कि 156 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो देखिए इसको 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कितना से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 3 1 3 और ये 3 3 9। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 × 2 × ये 3 × कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 3 × 13। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, तो 2 का पावर 2 × 3 × 13 आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शून्यकों की संख्या का बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्यकों का संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे शून्यकों की संख्या को ज्ञात करना है कि एक्स एक्सिस में, हम लोग को ये इस चीज को दिखाना, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे इस चीज को, अगर यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स एक्सिस में जितना बार इंटरसेक्ट करेगा कि प्रतिच्छेद करेगा उतना ही बार हम लोग का क्या हो जाएगा, शून्यकों का संख्या होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस में ये लाइन जो है कितना बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को जांच करके देखना होगा कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आप एक सिंपल सा बात है कि द्विघात, द्विघात आप बिना चेक करके भी इसको जान सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको द्विघात मतलब जिसका पावर 2 होगा वो समीकरण नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए पावर में क्या है, 3 है, तो इसका पावर में कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी जब गुना कीजिएगा एक्स और एक्स को तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी गुना कीजिए एक्स और एक्स तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पावर में 3 आ रहा है एक्स का। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो भाई देखिए यहाँ पर ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण, लेकिन ये द्विघात समीकरण जो नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ही वाला फर्स्ट नंबर हम लोग आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस 48° माइनस साइन क्या होगा, 42°। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब कैसे यहाँ पे इसका आंसर 0 होता है, हम इसको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 48° माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन का 42°। अगर मान लीजिए ये कॉस 48° कैसे आया होगा, तो इसको पहले सेट कीजिए, तो कॉस 90 माइनस क्या 42° लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 42 को घटाएगा तब जाके 48 आएगा। तो आप बोलिए कहां से लाए सर, तो कहीं से खोजने का जरूरत नहीं है, आपको बगल में ही ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, साइन 42°, ठीक है। तो चलिए अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन 42°। तो देखिए दोनों कट जाएगा तो 0 आएगा, और अगर इसको ऐसे नहीं बनाना है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि कॉस 48° माइनस कितना हो जाएगा, साइन यहां से हो जाएगा 42°। अगर कॉस 48 को कॉस 48° ही रखना चाहते हैं तो साइन 42 को तोड़िए, तो साइन 42 को पहले तोड़ लेते हैं, पहले सेटिंग करते हैं, तो 42 कैसे आएगा, 90 माइनस 48°। ओके इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो अब यहां से कितना हो जाएगा, कॉस 48° माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 48, ठीक है। दोनों कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, 0 आंसर आता है, और अंश बटा हर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में हमेशा आंसर आएगा 1। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें आपको क्या निकालना है, सारो अंतर को निकालना पड़ेगा। तो सारो अंतर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये हो जाता है दूसरा पद माइनस पहला पद।
तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद है 5/3 माइनस पहला पद कितना है 1/3, तो दोनों का लॉसॉल ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और ये 5 - 1 तो कितना हो जाएगा 4/3। ओके, तो सार व अंतर कितना हो जाएगा 4/3 आंसर हम लोग का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई आर स्क्वायर, दुनिया का सब आंसर ये जानता है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव क्या कौन शांत होगा, यानी कि शांत। देखिए पहले सेट में भी और सेकंड सेट में भी हम लोग इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जिसका हर यानी कि हर हर का अगर गुणनखंड 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक है, तो वो शांत होगा। यानी कि हर का गुणनखंड यानी कि 2 और 5 अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है आंसर, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का कीजिए यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है, तो 8 बराबर कितना होगा यहाँ से 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये हो जाता है हम लोग का क्या हो जाएगा, हम क्या बताएं अभी कि अगर हर किसी का भी हर 2 और 5 का गुणनखंड में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कितना है 2 और 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 भी है, तो ये आपका नहीं आंसर होगा। देखिए यहाँ पे कितना है 455, ठीक है, तो 455 को भाग ये 5 से कीजिए इधर से, तो 5 9 45, 5 1 5 तो 13 7 91 हो जाएगा, तो देखिए 13 5 7 हो गया, तो ये भी हम लोग का नहीं होगा, 2 5 7 यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 8 17/8। और आप इसको भाग भी देख के देख सकते हैं कि ये पूरा पूरी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब शांत का मतलब यही हो रहा है कि पूरा पूरी भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे 2 और 5 इसका करके देखिए, हर अगर 2 और 5 का गुणनखंड है, ठीक है, तो ये आपका जाएगा, तो देखिए 8 दूना कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 16, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाइए तो कितना हो जाएगा 8 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, और यहाँ से कितना होगा 8 दूना ये 16 हो जाएगा, और 4 बचेगा, 1 0 लगेगा, 8 बचे 40, देखिए पूरा पूरी ये भाग लग गया, लग गया ना, आई बात समझ। चलिए तो आंसर क्या होता है 17/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 96 और 404 का क्या निकालना है, मोसो निकालना है। तो देखिए इसका बहुत ही शानदार सा तरीका हम आप लोगों को पहले भी इसका बता चुके हैं, तो जो छोटा होता है ना यानी कि 96 छोटा है उसके द्वारा किस 404 को भाग दे दीजिए, ठीक है, तो जो यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसको 96 96 दूना कितना हो जाएगा, यानी कि मान के चलिए इसको 3 से भाग देंगे इसको, ठीक है, तो 96 को 3 से गुना कर दीजिए कितना होगा, आपका यहाँ से होगा 6 3 18 1, ठीक है, यहाँ से 9 3 27 और 1 28, ठीक है ना, तो ये 228, क्या ये 4 बार में जाएगा, हाँ 4 बार में ये चला जाएगा, तो 4 से इसको देख करके देखिए यहाँ से, तो 4 6 24 आ जाएगा, 4 6 24 आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 बचेगा, और यहाँ से 9 चौके 36 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 36 और 2 38 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हुआ, यहाँ से 10 में 8 गया तो 2 बचेगा। अब इसको फिर 20 जो आया सेसफल इसके द्वारा फिर 96 को यहाँ से भाग दीजिए, ठीक है, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ से होगा आपका 80, कितना बचेगा 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, ठीक है 16। देखिए नीचे में कैमरा है दिखाई नहीं देगा, तो इस 16 को फिर से आप किससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे कितना बचाइए 20 चौके 80 ना, 6 और यहाँ पे 16। अब यहाँ पे जो 16 है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये 16 बचा है ना, इसके द्वारा फिर 20 को भाग दीजिए, तो 16 की कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 बचेगा, फिर 4 को 16 से भाग, तो 4 चौके 16, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पूरा पूरी भाग किससे लगा, भाग लगा हमारा 4 से, इसका मतलब इसका मोसो क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये बहुत ही शानदार सा तरीका है, इसको आप लोग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि शून्यकों का योगफल, ध्यान से देखिएगा, यदि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर आपका हो जाएगा, यदि शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा, कितना दिया हुआ है, अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है 0, और गुणनफल कितना है, गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा कितना हो जाएगा √5, ठीक है। चलिए आप लोग क्या निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, बहुपद निकालने बोल रहे हैं, तो इसका हम शॉर्टकट सा एक फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, क्या हो जाएगा x² - क्या हो जाएगा यहाँ से, शून्यकों का योगफल
इंटू एक्स जोड़ शून्यकों का कितना हो जाएगा गुणनफल। तो यहां से कितना हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़ कितना है, योगफल कितना है, 0 है, इंटू एक्स जोड़ यहां से शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा √5। तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर जोड़ √5। देखिए यही चीज हम यहाँ पे लिखे भाई। तो ये आपका शॉर्टकट सा तरीका है बहुपद निकालने का, जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जब दिया हुआ है ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के सामने आ चुका है और इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शून्य क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 3 और 4 यानी कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो डायरेक्ट 3 चौके 12 हो जाएगा ना, तो इसको द्विघात समीकरण इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहां से कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी कि जोड़ का यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4x-4 = कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। द्विघात समीकरण में तोड़ने तो सभी को आता है ना। चलिए अब यहाँ से क्या होता है कि 3x हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x जोड़ यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4 निकालेंगे तो x जोड़ 1 बच जाएगा = 0। अब यहाँ पे कितना होगा, x जोड़ 1 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x-4। देखिए पूरा पूरा हम हिंदी बोलने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जोड़ 1 = 0, और यहाँ पे कितना होगा, 3x-4 = 0। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर कितना, -1, और यहाँ से हो जाएगा x = 4/3। तो शून्य कितना कितना निकला भाई, ये निकलेगा शून्य आपका निकलेगा कितना, -1, और कितना निकलेगा, 4/3। तो -1 और 4/3, -1 और 4/3, देखिए यही है ना, और तो कोई दूसरा नहीं। आई वॉज में नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि विविक्तर d = 70 हो तो इसमें क्या मूल होगा, तो यहाँ पे होगा बराबर और वास्तविक। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, अगर d जो है वो बड़ा है 0 से, d अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, d अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा इसका मूल, ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा असमान, असमान। अगर दूसरा कंडीशन का बात करें, d अगर बराबर है 0 से, तो क्या हो जाएगा इसका वास्तविक और क्या हो जाएगा, समान, ओके ना। चलिए अगर तीसरा कंडीशन का बात करें, d अगर छोटा है 0 से यानी कि माइनस में आ गया, तो इसको क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है आपका काल्पनिक। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा काल्पनिक, इसका आंसर निकलता है, ठीक है, जो कि हम लोग 11 क्लास में सीखते हैं। अभी क्या है, अभी विविक्तर है 70, तो क्या हो जाएगा, बराबर और वास्तविक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा क्या बता होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, थीटा तो थीटा दिया हुआ है ना, थीटा का मान तो कुछ दिया हुआ है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए थीटा में ही दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा में ही क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सा टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिए गए आकृति में डी समांतर यहाँ पे, ठीक है, समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, ठीक है, तो इसका हम लोग का मान क्या ज्ञात करना होगा, डीसी का मान को, है ना, डीसी कहाँ पे है भाई, डीसी किधर है, हाँ डीसी का मान को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पे अगर फोटो अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आपके सामने में यहाँ पे फोटो को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा है ए है, यहाँ पे डी है, सी है, और ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पे ई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बी सी, है ना, बी सी समांतर डी ई, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि डी ई समांतर बी सी, यानी कि डी ई समांतर, ये दोनों आपस में क्या समांतर है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, ऐसा स्थिति में आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा AD/DC, ओके, इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा AE/EB,
ओके ना, तो एडी कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा 1 बट्टा, और डीसी का मान तो निकालना है हम लोगों को, तो यही रह जाएगा। और ये कहां से आता है, ये आ जाएगा आपका थेल्स, ठीक है, प्रमेय। चलिए अब यहाँ पे ए ए कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और ई बी कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो तिरछा गुना कर देते हम लोग, तो तिरछा गुना करने से कितना हो जाएगा, इधर से यहाँ से हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा 3/1.5, तो ये बराबर में कट के आएगा तो कितना होगा, 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु दो है, ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है, ए और ये क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x1 और y1, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, x2 और y2, ओके। और यहाँ पे एक क्या है, पी बिंदु है, जो कि इसको क्या करता है, इसको करता है प्रतिच्छेद, किस अनुपात में, m1 और m2 का अनुपात में। तो इसका क्या हो जाएगा, विभाजन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 जोड़ m2 x1, ये हो जाएगा आपका x के लिए, और यहाँ पे m1 y2 जोड़ m2 y1 डिवाइड बाई m1 जोड़ m2, यहाँ पे बस यही बनने वाला है, यहाँ तो माइनस होगा, ये नहीं बनेगा, ये आपका ये भी नहीं बनने वाला है, ठीक है, क्योंकि m2 x2 ये नहीं बनेगा, और इसमें से सभी तो ये होगा ही नहीं होगा, तो हम लोग का फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, cos 60° का मान कितना होता है, 1/2। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, देखिए क्वेश्चन बनाते बनाते मालूम तक नहीं चला कि ये सारा क्वेश्चन हम लोग का बन गया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज सीखा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का सेट का थर्ड सेट का पार्ट 1 था, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे, पार्ट 3 भी लाएंगे, और पूरा सेट को खत्म कर देंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग पार्ट बाई पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।